घर बैठ करके आप जो है लाइसेंस बना सकते हैं। राजनीति में बहुत कभी दो कदम आगे दो कदम पीछे चलने पड़ते हैं। अभी हमने 1150 बसें खरीदी हैं। हम अपने परिवहन निगम की जितनी डिपो हैं उसको हम हवाई अड्डा की तरह बनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमितेश और इस वक्त हमारे साथ योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह हैं। दयाशंकर सिंह छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति में आए और वर्तमान में बलिया सदर सीट से विधायक हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि खुद इनके विभाग को लेकर के आगे की रणनीति क्या है। फिलहाल जब से ये मंत्री पद इन्होंने संभाला है परिवहन विभाग का, तब से किन तब्दीलियों को लाने में कामयाब रहे हैं और क्या कुछ खामियां ये स्वयं अपने विभाग के दृष्टि से देखते हैं। सर, बातचीत की शुरुआत यहीं से करेंगे। परिवहन विभाग जब आपको सौंपा गया था तब विभाग की स्थिति क्या थी? क्या आपकी जो प्लानिंग थी वो सही ट्रैक पे चल रही है? विभाग में सब कुछ ठीक ठाक है? आप सेटिस्फाइड हैं? देखिए, काम करने के लिए असीम संभावनाएं हैं, काम का कोई अंत नहीं है और हमारा विभाग जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। जनता को सुविधा देने के लिए, उनको आवागमन की बेहतर सुविधा दें, इसके लिए हमारा विभाग है। हम कितनी बेहतर सुविधा दे सकें इसका कोई सीमा नहीं है और मैं बेहतर से बेहतर सुविधा देना, समय पर बसें चलें, समय से पहुँचें, लोगों को आरामदायक व्यवस्था रहे, रास्ते में उनके लिए जो अच्छे जगहों पर जहाँ हमारे प्लाजा हो वहाँ रुके तो वहाँ अच्छे शौचालय हो, बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, खान पान की अच्छी व्यवस्था हो, ये बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। तो उसमें जितने हम अच्छा कर सकते हैं उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हमने बहुत सारे चेंजेज लाए हैं। हमने जो है अपने परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस बनाना एक बहुत बड़ी एक जटिल समस्या थी, हमने उसको ऑनलाइन कर दिया है। आज जो है घर बैठ करके आप जो है लाइसेंस बना सकते हैं। 100% हमने जो है अपने लर्निंग लाइसेंस को जो है ऑनलाइन कर दिया और परमानेंट लाइसेंस के लिए भी हम जो है ऑटोमेटिक सिमुलेटर लगा रहे हैं हर जनपदों में, 16 जगहों पर लगा चुके हैं। अब जो है हर व्यक्ति को उसे गुजरना पड़ेगा और वो सेंसर से वो जो है ऑब्जर्व करता है। तो आप यदि सही दक्ष चालक हैं तो आप पास हो जाएंगे और यदि आपकी कहीं त्रुटि है तो कंप्यूटर ही बता देगा कि आपको यहाँ यहाँ पर आप जो है आप गलत हैं, तो उस स्थिति में आपका लाइसेंस नहीं बन सकता है। तो अब किसी को कोई न बनवा सकता है और न किसी को कोई जो है रोक सकता है। तो ऐसी व्यवस्था हम जो है डेवलप कर रहे हैं। हम ऑनलाइन परमिट की व्यवस्था कर दिए हैं कि छुट्टी हो, रात हो, दोपहर हो, जब चाहिए तब हमारे पास परमिट ले सकते हैं। ये तो आपने अपने 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 कार्यकाल के जो गुड वर्क है उनकी बात की। आप ऑफिस से भी बाहर निकल रहे हैं, रैंडम चेकिंग कर रहे हैं, रेड्स कर रहे हैं, जो एक आरटीओ ऑफिस के इर्द गिर्द एक जो पारंपरिक छवि बनी हुई है करप्शन की, उसको तोड़ना कितना मुश्किल साबित हो रहा है या आप तक कितने कामयाब हुए हैं आरटीओ को आप करप्शन फ्री बनाने? इसीलिए तो बोल रहा हूँ आपसे, अब हमारे दफ्तर में कोई आएगा ही नहीं तो भ्रष्टाचार कहाँ से होगा। आप जो है अपने घर से ही सब काम कर लेंगे तो मेरे दफ्तर में आने की आपको जरूरत ही नहीं। हम तो परमिट भी लेने के लिए पहले कितनी बार हमारी थी, अब तो मैंने डिजिटल सिग्नेचर कर दिया कि आपको अधिकारी को सिग्नेचर भी नहीं करना है, डिजिटल सिग्नेचर है हमारा, जो टैक्स जमा करिए आपकी गाड़ी फिटनेस है तो आपको परमिट मिलेगी। और हम जो है टिकट भी ऑनलाइन कर रहे हैं, हमने जो हर टिकट को जो है मशीन लगा दिया कि आप मशीन से करिए, आप यहाँ टिकट काट करेंगे हमको हमारा लखनऊ में पता चल जाएगा कि हमारी इस बस में कितने लोग चल रहे हैं। तो अब मैं सब चीज़ों को ऑनलाइन कर रहा हूँ। मैं भ्रष्टाचार मुक्त जो उत्तर प्रदेश में योगी जी की मंशा है उसके अनुरूप कार्य कर रहा हूँ। हमने बहुत सारे चीज़ों पर कंट्रोल किया है और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हम अपने डिपो को भी अब हवाई अड्डा की तरह बनाने जा रहे हैं। अभी हम देखिए अभी इसी महीने ये PPP मॉडल पर होगा। हाँ, PPP मॉडल पर करेंगे और हर जो है हमारे जो जिला स्तर के जो हमारे बस अड्डे हैं तो सब हवाई अड्डे की तरह बनेंगे। कब तक उम्मीद किया जाए मंत्री जी कि जो पुराने बस के जो भी काफिले हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे, नई बसें आएंगी? देखिए अभी हमने 1150 बसें खरीदी हैं। कोरोना काल में 2 वर्षों में कोई बसें नहीं खरीदी गई। अच्छा। तो बस नई खरीदते जाएंगे और पुराने को हटाते जाएंगे। अब प्राइवेट पार्टनर को भी बुला रहे हैं, पहले अनुबंधित हो करके कम बसें थी मेरे पास, अब हम उसकी दायरा बढ़ा रहे हैं। अब जब ज़्यादा लोग आएंगे, हमारा काम है लोगों को सुविधा देना भाई, हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है,
हमारी परिवहन निगम तो चाहता है कि वहाँ पर जहाँ पर अभी तक कोई बसें नहीं चलती हों वहाँ पर हमारा परिवहन निगम जाए। 1 लाख गाँवों में से अभी भी 12,200 गाँव ऐसे बचे हैं जहाँ पर बसें नहीं चलती है। प्राइवेट वाले तो वहीं चलाते हैं जहाँ पर उनको जहाँ आमदनी ज़्यादा होती है। हमको तो वहाँ से चलाना है जहाँ पर लोगों को मैंने सुविधा हो, भले ही हमारे घाटे में चले। तो इसलिए 12,200 गाँव भी बचे हैं वहाँ भी बसें चलाने जा रहे हैं, ग्रामीण सेवा अलग से निकालने जा रहे हैं। आप ज्वाइनिंग कमेटी में थे, आपने काफ़ी एक्टिव रोल अदा किया था 2017 के पहले जो सू बसपा के साथ प्रीपोल अलायंस हुआ था उसमें, और अभी भी सार्वजनिक मंच से इस बात को वो एडमिट करते हैं प्रकाश राजभर कि आपसे उनके पर्सनल रिलेशनशिप है, पुरानी दोस्ती है। क्या आप मानते हैं जिस तरह के उनके घड़ी घड़ी बयान बदलते रहते हैं कि वो एक रिलायबल पॉलिटिकल पार्टनर हो सकते हैं बीजेपी के? देखिए, राजनीति में कोई चीज़ अस्थायी नहीं है, समय और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय होते हैं। और राजनीति में बहुत कभी 2 कदम आगे 2 कदम पीछे चलने पड़ते हैं, तो समय के साथ निर्णय होंगे। क्या आसार लग रहा है, क्योंकि आप लोग तो इस बात को लेकर बड़े आश्वस्त थे कि विधानसभा चुनाव के पहले वो आपके साथ रहेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ और सियासी समीकरण का चुनाव किया, भविष्य में क्या लगता है कि वो अस्थायी रूप से आपके साथ बने रहेंगे? देखिए, वो जहाँ पर गए वो जो है बेमेल गठबंधन था, बहुत दिन तक नहीं टिक पाया, लेकिन भाजपा के साथ उनका सैद्धांतिक रूप से सामंजस्यता है, क्योंकि जो बातें वो करते हैं दलितों को, वंचितों को, गरीबों के लिए, वो काम मोदी जी और योगी जी करते हैं। आखिरी सवाल, जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस क्राइम को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, अभी पिछले दिनों मुख्तार अंसारी के बेटे पर ईडी ने एक्शन लिया, उनके रिलेटिव्स पर भी ईडी ने एक्शन लिया, उनके बड़े भाई हैं गाजीपुर के सांसद, उन्होंने कहा है कि ये एक खास मंतव्य से इस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं ताकि बेरोजगारी, गरीबी जैसे मुद्दों से आम आदमी का ध्यान भटकाया जा सके। कैसे देखते हैं आप उनके बयान? देखिए, भाजपा में किसी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या क्षेत्र विशेष, जाति विशेष के लेकर के निर्णय नहीं होते हैं। मोदी जी की और योगी जी की जो योजनाएं हैं, क्या वो किसी की जाति पूछ करके या मजहब पूछ करके दी जा रही है, सभी लोग उसका लाभ ले रहे हैं। उसी तरह उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, कानून का उल्लंघन जो भी करेगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उस पर सब पर जो है कानून लागू हो। अंतिम सवाल, आपके विभाग को लेकर के ही बातचीत को यहाँ हम खत्म करेंगे, ऐसी वो कौन सी महत्वाकांक्षी योजना है आपके खुद के विभाग की जो मंत्री होने के बाद आपने प्लान की है और आने वाले दिनों में एक बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर परिवहन विभाग में देखने को मिलेगा? हम अपने परिवहन निगम की जितनी डिपो हैं उसको हम हवाई अड्डा की तरह बनाने जा रहे हैं, और बहुत जल्द आपको जो है अभी इसी महीने 24 बस अड्डों को हम कैबिनेट से उसको ले जा रहे हैं और उसको बनाना शुरुआत करेंगे, और फेज वाइज करके 75 जिलों में हमारे जो बस अड्डे होंगे वो हवाई अड्डा की तरह होंगे, सभी सुविधाएं से युक्त होंगे, लोगों को बैठने का अच्छा रहेगा, हमारी माताएं बहने के लिए अलग से व्यवस्था रहेगी बैठने की, अच्छे शौचालय होंगे, वहीं पर खरीदने के लिए वहाँ दुकानें होंगी, ठहरने के लिए होटल्स होंगे, और कई जगहों के बसें एक जगह पर एक छत के नीचे मिलेंगी, ऐसे बहुत सारी चेंजेस हम करने जा रहे हैं। बातचीत के लिए बहुत बहुत तो ये थे योगी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जिनसे हमने बातचीत की और जिन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में रोडवेज की यात्रा आपके लिए थकाऊ नहीं होने वाली है, बोरिंग नहीं होने वाली है, बल्कि एयरपोर्ट की तर्ज पर यूपी रोडवेज के बस स्टैंड का भी अपग्रेडेशन किया जाएगा, पैसेंजर एम्यूनिटीज जो है उसमें इजाफा किया जाएगा। मितेश कुमार सिंह, गाजीपुर।